जय हिंद दोस्तों। इस वर्ष में नया वर्जन अपडेट हुआ है और बता दें इस अपडेट से कई पेंशनर्स को काफी परेशानी होगी। बता दें इस वर्ष पेंशनर्स को करने होंगे 3 अपडेट। अब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के पहले जैसे लॉगिन कर लेते थे, अब वैसे लॉगिन नहीं होगा। कैसे लॉगिन होगा वो भी बताएंगे। और 3 अपडेट क्या करने होंगे आपको, कौन कौन से 3 अपडेट करने होंगे, पहले तो 2-way ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा, दूसरा है टर्म्स और कंडीशन अपडेट करनी होगी, तीसरा रिकॉर्ड ऑफिस को अपडेट करना होगा। तो 3 अपडेट करने के बाद ओटीपी बेस्ड लॉगिन आपको करना होगा। कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये 3 अपडेट सभी पेंशनर्स को करने ही होंगे, नहीं तो आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे स्पर्श में। स्पर्श की वेबसाइट में आएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट में आने के बाद आप अगर लॉगिन करना चाहेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन के लिए आप पहले लॉगिन में क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलता है, जिसमें कि आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करना होता है। इसको लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऑथेंटिकेशन मांगेगा, जिसको ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन मांगता है। जैसे कि मैंने यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करूंगा। इसके बाद देखो आप क्या मांग रहा है कि आप इसमें मांग रहा है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको मैंने लॉगिन किया तो पहले मांग रहा है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपका जो स्पर्श में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और वो केवल 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगी। आपके जो ओटीपी आई है आपके मोबाइल में, जैसे मेरे मोबाइल में जो ओटीपी आ गई है, मैं इसमें डालूंगा, इसके बाद सबमिट करूंगा, तब मेरा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। तो इसको मैं जो ओटीपी आई है उसको मैं सबमिट करके और सबमिट बटन में क्लिक कर दे रहा हूं। जैसे मैं ये इसमें क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा। इसके बाद भी आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी भी आ गया है, ये एक नया ऑप्शन आया है। अब इसमें जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसमें टर्म्स यूज में आपको क्लिक करके पहले समझना है कि वो पॉलिसी कौन सी है। तो इसको मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि क्या टर्म्स और पॉलिसी है। इसके बाद आई एग्री में क्लिक करेंगे तो दूसरा ये अपडेट हो गया। तो टर्म्स पॉलिसी जो है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। इसमें यही दिया है कि आप अपना ना तो मोबाइल नंबर, ना ओटीपी, व्हाट्सएप पर ओटीपी ना शेयर करें। ये सारी चीजें टर्म्स और कंडीशन में दी है कि अगर कोई इसमें आपका लॉस होता है, कोई आपका सिक्योरिटी लॉस होती, खुद आप जिम्मेदार हैं। इसको क्लोज करेंगे, फिर उसमें आएंगे, आई एग्री में क्लिक करेंगे। जब आप आई एग्री में क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है और वो कौन सा ऑप्शन है, अपडेट ऑफिस। ये ऑप्शन एक नया डाला गया है। इसमें आपको क्या अपडेट करना है इसको देखना जरूरी है। एक चीज और ध्यान देना जरूरी है कि आपका पीडीवी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देख लेना कि पीडीवी की डेट आ रही है कि नहीं आ रही। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख लेना है, और क्या है नेक्स्ट आपका डीएलसी भरने का टाइम वो देख लेना है। अब मैं अपडेट ऑफिस में जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब ये आ रहा है, अपडेट ऑफिस में जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलता है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपको क्या, इसमें जो सेलेक्ट एन ऑप्शन, अपडेट ऑफिस में सेलेक्ट एन ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड ऑफिस है सबके नाम आ गए। तो जिस रिकॉर्ड के आप हैं उसको अपडेट करना होगा। ये नया फीचर जोड़ा गया है, और क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये आपके सीधे रिकॉर्ड ऑफिस से लिंक हो जाएगा। किसी तरह की कोई कंप्लेंट, कोई चीज डालते हैं तो सीधा रिकॉर्ड ऑफिस इस पर एक्शन लेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है अपडेट ऑफिस का। इसमें जैसे मैं सिग्नल का हूं तो मैं आरओ सिग्नल रिकॉर्ड डाल दे रहा हूं। जैसे इसको अपडेट करूंगा तो ये आ जाएगा आरओ सिग्नल रिकॉर्ड। इसके बाद मैक्सिमम अटैच्ड लिमिट शुड बी 2 MB। 2 MB का डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा और वो पीडीएफ में होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित हो, यानी कि हमें अपनी डिस्चार्ज बुक के 4-5 पेज स्टार्टिंग के जो होते हैं उसको पीडीएफ बना के इसमें अपलोड करनी होगी। इधर से हमें चूज करना होगा और इसके बाद जब अपलोड हो जाएगी तो बाद में सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपकी रिकॉर्ड ऑफिस सबमिट होगी। आपको सबमिट करना ही होगा, क्योंकि आप कोई भी कंप्लेंट डालेंगे सीधा आपका रिकॉर्ड ऑफिस में
कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो भी समस्या होगी रिकॉर्ड ऑफिस डायरेक्ट आपको सॉल्व करेगा। मैं बता दूं कि अगर आप इसको अपडेट नहीं भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसी पेंशन में ना कोई दिक्कत आएगी, लेकिन कई कंप्लेन जब डालेंगे, कोई कंप्लेन आप करेंगे जैसे ग्रीवेंस डालेंगे, तो ये ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में आपका रिकॉर्ड ऑफिस मांगेगा अपडेट करने के लिए, तो पहले ही आप अपडेट करके रखें जिससे कोई समस्या ना हो। तो ये तीन बड़े अपडेट हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।